हमें रात ने प्रोग्राम करन लाग रहे, जमा जुलम डा दिया, पांच छह शरारती छोरिया ना गदग है पुंजड़ के पीपा बैंध के हमारी स्टेज कानी बजाय दिया। मैं देखने लाग रहा जमा साज रहा हमारी स्टेज ऊंची गदा उसे कानी बाज रहा, बाज के रहा जमा रड़ गया। मैं उसने रोकदा उस पर पहला गदा तलाई बढ़ गया, बड़के गया जमा रड़गी मारी कलाकारनी गांधी गांधी गदे के ऊपर पड़गी, पड़के गई जमा साज लिया। मैं देखने लाग रहा गदा मारी कलाकारनी लेके बाज लिया। मैं बोलिया मरना मंजूर है, जमा नहीं सतान देऊंगा, गदे मेरा नाम भी झंडू है, कलाकारनी मैं भी नहीं ले जाने दूंगा। मन ने यह बात कही जमा ललकार दी, मेरा भी नाम झंडू है, मैंने गदे पर छलांग मार दी, मार के दी जमा सतागी, मेरे में बोझ गणा गदे की जिब्बे पै रहेगी। आ के गई वह जमा साज लिया, गदा मारे ते भी बेशरम दोनों ने लेके बाज लिया, बाज के लिया वह जमा रड़ गया। अंधेरे में गदा ने दिखा ही कहीं एक बीड़ी ही गाल में बढ़ गया, बड़के गया वह जमा साज लिए, पिप्पा फरड़ फरड़ बोला पाछे कुत्ते बाज लिए। पहली बार देखा वह जमा साज रहा, अरे चाला हो गया गदा पिछाण हुआ की स्पीड तय बाज रहा। इतने में कलाकार नहीं बोली झंडू मेरी दुनिया लुटा है, मन ने बचा ले मेरे तो हाथ छूटे हैं। मैं बोले हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं, जमा लिपट जा, बोली गदा पता बड़के मर जाएगी, इसकी नाइड के चिपट जा। मन ने नाइड की बात कही, जमा जकड़ लिए मारी कलाकार दी ने डरती डरती ने गदा की कान पकड़ लिए, पकड़ के लिए जमा साज लिया। गदा ने सोचा कौन सी पता है और स्पीड तय बाज लिया, बाज के लिया भाई जमा रड़ गया। आगे अंधेरे में दिखे को नहीं, घेर में बढ़ गया, बड़के गया जमा झटक दी, मारी कलाकार नहीं ले जाके एक ताऊ की खाट तो रह पटक दी, पटक के दे जमा जकड़ लिया। ताऊ भी आई था खड़ा अंधेर, मारी कलाकार ने हाथ पकड़ लिया, बोले ओ बड़का की मां जमा सताई है, कल घेर में रोला करके गई, रोला करके गई थी, आज के लेना आई है। नमस्कार भाई, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। फिलहाल हरियाणा की ऐसी सुपरहिट जो कॉमेडियन जोड़ी है, आपने हर एक अलग अलग कलाकार के साथ आपने देखा होगा, चाहे वो लेडीज कलाकार की बात कर लें, चाहे जेंट्स कलाकार की बात कर लें, और जिसके नाम पर लाखों की पब्लिक है। एक बार बैनर के ऊपर नाम आ जाए तो लाखों की पब्लिक है, इतनी भीड़ हो जाए जो मैनेजमेंट करनी है उनके पसीने छुटा दे, और जिसके एक्शन देख के पूरी दुनिया नहीं, पूरा हरियाणा है नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया चौंक जे है। ऐसे ऐसे कर्तव्य, ऐसी ऐसी मतलब अपनी शरीर की कलाकारी, एक अलग ही अनोखा पहचान हमारे साथ में। हाजिर जवाबी, हाँ हाजिर जवाबी, तुरंत हाजिर जवाबी, कोई भी मतलब आगे से बोल देता है तुरंत हाजिर जवाबी उसकी। हमारे साथ में सुपर प्रसिद्ध कॉमेडियन महेंद्र सिंह झंडू, आप जान गए होंगे। झंडू जी, सबसे पहले तो हमारे सारे श्रोताओं ने राम राम कर दो। सभी को आपके अपने चहेते कलाकार महेंद्र सिंह झंडू की तरफ से सभी को हाथ जोड़ के प्यार भरी राम राम जी। धन्यवाद। आपका जो लाइफस्टाइल कब शुरू किया था, कितना टाइम हो गया, एक बार तो वो बता दो। हमने 2001 में नाटक बनाया था सपने झंडू के, सपने झंडू के, हाँ। उसके बाद फिर लोगों ने इतना प्यार इतना आशीर्वाद दिया कि उसके बाद पीछे मुड़कर देखे नहीं। उसके बाद अनेकों नाटक आए, शाही लक्कड़ आ रहा, झंडू फरार, पाचे थानेदार, बहुत झंडू चला ससुराल, मतलब दुनिया भर के नाटक आए। तो सभी नाटकों को जो जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। अच्छा अच्छा, तो स्टार्टिंग आपने जो एक्शन क्रिया कर देना जो, वो कहाँ से सीखे आपने, सपने आने कैसे शुरू हुए रियल में, मतलब वो जो एक्टिविटी करने लगी थी वो कहाँ से, आपने प्रेरणा कहाँ से ली थी? देखिये, सबसे पहले जब सीढ़ियों का दौर आया था तो बलहारा जी का एक नाटक बनाया था माँ का जाया जी, और वो जींद में ही बनाया था, एक बनाया था दहेज की आग, तो उसके अंदर मैंने छोटा सा करेक्टर किया था। तो शौक बहुत होता था उस टाइम में, एसटीडी होती थी, फोन तो होते नहीं थे, तो हम ये कैसेटें होती थी जो टेप रिकॉर्डर वाली, उनमें ढूंढते फिरे जाया करते भाई किसी का नंबर मिल जाए। हाँ, तो फिर वो क्या होया कि एक वैसे ही यहाँ पे एक दुकान पे हमने कैसेट पर नंबर देखा, तो नंबर मिल गया हमारे को विक्की नारंग का रोहतक से। अच्छा, हम बोले जी हमने शौक है, वो बोले भाई शौक है तो 29 कलाकार की जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम थी को नहीं कला किसी के अंदर इतनी, कोई मान लो कैमरे का शामी खड़े हो गए बोल पड़े। राजेश सिंह प्रिया जी उस टाइम बना रहे थे नाटक,
शांति बनेगी क्रांति। अच्छा, उसके अंदर मैंने रोल किया और वो रोल उनको बहुत बढ़िया भी लगा, अच्छा लगा, क्योंकि मैं मंच का भी कलाकार था तो इसमारे इतनी मन कठिनाई नहीं आई रोल करने में। तो उसके बाद फिर वो बना वो एक फिर नाटक बनाया उन्होंने, टोकरी में छोकरी, वो नाटक बनाया। तो हमें नटराज स्टूडियो में गए, वहाँ रिकॉर्डिंग थी, फिर वहाँ से मेरे को रोल छोटा हाँ मिल रहा था, लेकिन मेरे को उस रोल की जो भूख थी वो बड़े की थी। तो वहाँ से मैं आ गया। फिर उसके बाद मैंने आने के बाद जींद वो सपने झंडू के नाटक जो अपने दिमाग में तैयार किया और वो नाटक वहां, तो लोगों ने पहले तो लोगों ने दुकान पे रखवाया ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे दौर ही दो बंदों का था, या तो राजेश सिंहपुरिया का और या बलारा जी का। बलारा जी हम नए थे, जिस पे भी कैसेट लेकर आना भाई बलारा का या उनका हो तो दे दो, निटाड़ा करो। फिर हम तो क्या हुआ जी, हमने वो रखन जावा कोई नहीं रखवा। मैं बोला यार ये तो बड़ी समस्या है। तो उस टाइम फिर जो आज धर्मा कुणुंबे में मुकेश दहिया जी हैं जी, उन्होंने फिर ये वैसे नाटक बनाया था किसी को देने के लिए। फिर उनके भाई फौज रोहतक पहुंच गए, नाटक बनाया, जो भी मतलब जितना रोल था मैंने अपनी तरफ से पूरा बढ़िया करने का प्रयास किया और उनको अच्छा भी लगा, क्योंकि उस टाइम कलाकारी बहुत कम थी लोगों के अंदर और कैमरे के सामने जाते तो बत्ती गुले जा करती, भूले जाए करता कहना के है। तो फिर उसके बाद वो बना रहे थे उसमें टोकरी में छोकरी, नटराज स्टूडियो नया नया लगा था, वहां पर हमने रिकॉर्डिंग करी उसमें, लेकिन मेरे को छोटा हा रोल दिया गया था जो मेरे को पसंद नहीं आया। मैं फिर वहां से जींद आया, जींद आके फिर मैंने कहा भाई अगर नाटक बनाना है तो बढ़िया तरीके से बनाने हैं, नहीं तो फिर इस लाइन को छोड़ ही दिया, क्योंकि एक परिवार का भी दबाव था, बाल बच्चेदार था, परिवार भी ऐसा होता भाई ये केस सौदा ठहरा है, कोई कामयाबी तो मिलती नहीं हुए, फिर जाए भाई अपना बालक बच्चा पालन पोषण करो, दिहाड़ी करो या जो भी करो, तो उसका भी दबाव था। फिर मैंने वो सपने झंडू के नाटक बनाया, वो बना तो लिया। फिर एक और समस्या आई, उस टाइम ये दो धुरंधर कलाकार दो ही थे, राजेश सिंहपुरिया और नरेंद्र बलाला, हमने दो नाटक बनाए मतलब सपने झंडू के और शाही लकड़ारा एक बाग उसका। अब समस्या ये होगी जिसके पास भी जावा वो ही कह देना भाई बलारा जी का राजेश सिंहपुरिया नाटक हो तो दर्जे अरे ले जा ठहर गया। हम दो दिन घूमे किसी ने एक कैसेट भी नहीं रखवाई। फिर मैं उसको बोला महा भाई मुकेश दहिया जी को, माँ भाई एक काम करा हर शहर में दो दो कैसेट चार चार कैसेट फ्री में दे जा, जो देखेगा अगर पसंद आओगे तो ऑटोमेटिक बात है। तब नहीं सार दिया जींद दिया। तो हम जब वापस दिल्ली पहुंचे ना उससे पहले तो इतने ऑर्डर आ गए थे, क्योंकि वो नई चीज थी जो सपने झंडू के थे वो मतलब जो देखा था ना वो लोटपोट हो गया था थोड़ा हा, उसका मतलब एक्टिविटी नहीं थोड़ी ही, वो बताओ एक्टिविटी बताओ। हाँ सपने झंडू ये था उसमें मेन बात, उसमें एक तो जो किरदार थे वो बहुत ही मतलब बढ़िया थे। जैसे एक हमने पंडित जी का किरदार ले रखा था और मेरे को उसमें हमने दिखाया था कि कैसे एक नशा करता है बंदा और उसका दिमाग जब चल जाता है तो कैसी कैसी हरकत करता है। तो जैसे हमारे जो पंडित जी का अरवल दे रखा था वो कैसे उसको अपने सपने सुनाता है और कितना वो परेशान हो जाता है, औरतों के कपड़े लग पैर लेता है लेकिन उसका वो पीछा नहीं छोड़ता। आगा होगा आगा हुआ तो वो थोड़ा हाँ बताओ ना, थोड़ा लाइव उसे उसे दो उसे तरीके से डायलॉग बता। हां डायलॉग थे जैसे मन लिया सपना जमा छाण लाग रहा मेरे दीदे पार्ट के, मैं बदला में को जान लाग रहा जान के लाग रहा जमा छाण लागी, मैं देख कर आनो क्या पानी में गए नहाने लाग रही नान के लाग रही, जमा ललकार दी मेरा भी नाम झंडो मैंने गुचकी मार दी गुचकी के मार दी, जमा नाटन लाग रहे आदमिया ने गेरे लंबे और आरी गल्ला काटन लाग रहे। तो इस तरह की मतलब कॉमेडी उसके अंदर थी, लोगों को बहुत पसंद आई। जैसे पंडित जी के पीछे ज्यादा पढ़ना लोगों को बहुत कॉमेडी उसमें पसंद आई। एक और साथ में सुवा पाया के गया झंडू का कुछ इस तरह का नाटक वो था डॉक्टर झंडू।
डॉक्टर चंडूगा, डॉक्टर चंडूगा बहुत उसमें भी खास जबरदस्त रोल था आपका, बहुत इंटरमेंटमेंट रोल तो देखो तकरीबन ही हमने जितने भी नाटक बनाए लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया है, वो तो देखो हर उसके अलग है। डॉक्टर चंडू नाम था लेकिन उसमें साइकिल समारा है, रिक्शा वगैरह है, उस तरह का किरदार था। एक हमने बनाया था और वो भी डॉक्टर के नाम से था, उसमें मतलब वो नाटक ऐसा ही था कि वो ताले सब भी खोलते खोलते में उसका बाल गोले है। वो किस तरह था थोड़ा वो और अपनी लैंग्वेज में बताओ। वो इसी तरह का था भाई, जस्ट एक औरत का मतलब बालक बंधु है, मैं डॉक्टर होता हूँ, वो डॉक्टर ने बुलावा वो चाबी घर में बुलाया है संदूक की जिसमें उजारो है, तो उसने वो कैसे तोड़ा है, थोड़ा ले जाए फलाना दिखना मुकड़ा, इस तरह की कॉमेडी थी। तो लास्ट में क्या हो, ताला ही नहीं खुलता उनमें, लेकिन इधर से बालक हो जाए औरत को, इस तरह की मतलब कॉमेडी थी। एक जी बात का देखो, जब भी कोई आदमी स्टार्टिंग करे सबसे बड़ी बात है रुपया, हर चीज में रुपया नहीं लगता, तो कानून लोग देखा भाई स्टार्टिंग ही नहीं मुश्किल हो जाए। जिस प्रकार आपने स्टार्टिंग करी पीछे ही कभी रही या फिर अरेंज कर लिया या कंपनी ने कि कुछ आपके पीछे दलील कुछ दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश दैया जी के पास कैमरा था खुद का, और ये नाटक बनाते थे बलारा जी के और इसके राजेश सिंहपुरिया के, और ये स्टोरी मेरे पास थी। मैं वास्तव में तो विक्की नारंग जी को देनी थी सपने झंडू, लेकिन मेरी मुकेश दैया जी से बात होगी, वो बोले यार ये तो के करेगा बड़े उस पर काटांगे DD2 पर फलाना दिख रहा, जो बड़े बड़े ख्वाब ख्वाब दिखाते हैं। तो मैं बोला भाई ठीक है, स्टोरीज का पसंद आ गई थी, तो हमने जींद ही कैमरा लेके वो आ गया था और जींद ही हमने ये नाटक बनाया था। तो इसमें मतलब खर्चा तो खर ले ले भाई, घर में तो अपने जो खाना पीना का ला ले या जो उनका चाय पानी का, ये तो थोड़ा बहुत लगा है, बाकी इस नाटक में हमारा इतना खर्चा नहीं था, क्योंकि लोकेशन थी वो भी सारी देखी हुई थी, ये कैथल रोड पे छोटा छन्ने का है गुरुद्वारे के सामने, इसकी लोकेशन थी। और फिर उस टाइम चा बहुत होया करता इन चीजों का, जैसे पेट डबल लटकना और राज का वो, तो वो कैमरा डालिए टूट के पड़ी जो मोटा इतना हो गया, तो उस टाइम की अलग चीजें होती थी और भूख होती थी हर चीज की, न्यू सोचा था यू भी बाज के कर लो वो भी बाज के कर लो, तो उस टाइम लोगों ने बहुत वो पसंद किया। उसके बाद जो आपका कंपटीशन का दौर है, जैसे कि सपना चौधरी के साथ आपने डांस करे और बहुत सारी जो उनके साथ किया है, उसमें आपका एक ऐसा रोल हुआ करता, मैं झंडू हूँ ये कर दूंगा, उस तरह के कुछ डायलॉग तो मतलब प्रभावित हो जाती पब्लिक है। पब्लिक का क्या था, देखो मैं बताता हूँ, भगवान उस परम पिता परमेश्वर ने मेरे को कुछ एक ऐसा हुनर दिया हुआ था, देन तो मालिक की होती है, कि कलाकार के तो माइंड में होता था और मेरे न्यू आज करता हाँ यो यो शब्द बोलेगा और इसका यो मतलब वो, और एक भगवान ने मेरे ऊपर बड़ा अच्छा मतलब आशीर्वाद भी रखा और मेरे को एक इतना मतलब सम्मान मिला कि मंच के माध्यम से कभी भी मैंने कोई ऐसा शब्द यूज नहीं करा, शब्द नहीं करा जिससे कि मतलब जो हमारी चाहने वाली पब्लिक है उसको ठेस पहुंचे। जो भी मतलब अगला कोई भी लाइन बोलता उसका तुरंत आप जवाब देते, तुरंत जवाब दे देते, और हमेशा मैंने प्रयास किया चाहे वो नाटकों के माध्यम से हो चाहे मंच के माध्यम से हो, कि वो शब्द हमने ऐसे यूज करे जिससे मनोरंजन तो हो लेकिन फूड पड़ नहीं। ये फिलहाल ताजा ताजा मार्केट में के करण लग रही हो, कोई एक दो जो दर्शक जो मतलब नु इतने खुश हो जाए देख के सुनाना चाहोगे जो ताजा ताजा ये मतलब साल से भी ना भीतर मतलब जो अभी तो मेरे मैं चैनल है मेरा अपना झंडू फन स्टेशन के नाम से, पेज भी है झंडू फन स्टेशन के नाम से, अभी तो मैं फिलहाल तो नाटक ही बना रहा हूँ अपने छोटे छोटे, और वो उनको भी बहुत आशीर्वाद प्यार दे रही है पब्लिक, तो अब फिलहाल तो यही बना रहे हैं। बाकी मंच भी मैंने बताया आपको थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है मेरी, बीमार थोड़ा चल रहा हूँ, तो मंच अभी मैंने थोड़े कम कर रखे हैं, बाकी नाटक नोटक बनाते रहते हैं। देखा 2001 का दौरा आपने स्टार्टिंग करी थी, 2023 चल रही थी, हाँ जी, इसका बीच में ये कुछ अंतर आपने महसूस हो रहा है, उस टाइम नाटक आ करते स्टेज प्रोग्राम हो रहा है? देखिए स्टेज प्रोग्राम पहले भी होते थे, अब क्या हो गया, पहले कोई भी काम करते थे सबसे पहले हमारी नजर जाती थी हमारे बड़े बुजुर्गों की तरफ, समाज की तरफ, कि आप अगर गलत करोगे तो समाज आपको क्या कहेगा, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो क्या कहेंगे। आज तो भाई साहब सही बताऊं मैं आपको, फूड पर इतना आ गया, जिन खानदान बच्चों के हमने कभी नाखून भी नहीं देखे आज उनका अंग देखने को मिल रहा है,
तो सबसे बड़ी तो बात यह है जो समाज में आज फूटपन है ना, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। लोग कहते हैं यार, लोग देखते हैं, देखते भी है, गाल भी तो वही देखते हैं, जनता ही गाल देवे और जनता ही देखे। क्या अच्छी चीजों को लोग देखते नहीं देखते हैं? हमने 20-22 साल हो गए, चाहे वो नाटक हो चाहे कुछ भी, हमने कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे कि मेरे बच्चों की नजर झुके, शिक्षा मिले उन तथा की शिक्षा मिले हमारी। एक बात आओ, मैंने कोई चीज तैयार करी जिसको मेरी बेटी नहीं देख सकती, वो समाज में है, वो भी तो हमारी बहन बेटी है, बिल्कुल, वो कैसे देख लेंगी? तो हमारी तो शुरू से एक सोच रही है कि भैया जो आने वाले यंग बच्चे हैं, आप लोग भी बढ़िया काम करो जिससे कि आपके परिवार की समाज में गर्दन ऊपर हो नीचे ना। झंडू जी, आप मतलब एक मजे हुए, मतलब एक राइटर ला लो, एक रोल वाला ला लो, एक कॉमेडियन ला लो, आजकल के जो राइटर है, जो कलाकार है, ऐसे ऐसे गाने बनाने लग रहे, आप भी सुन दोगे? बिल्कुल, रिकॉर्ड में नंगड़ा का मतलब इस तरह के, मतलब देखो ना, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, देखो मैं बताता हूँ चक्कर क्या है। आजकल ना ही तो आदमी अपनी इज्जत की तरफ देख रहा, ना अपने सम्मान की तरफ देख रहा। बच्चे जो है ना आज के यंग बच्चे पागल हो रहे हैं, सिर्फ किसके चक्कर में, ना तो उनकी पहचान का मतलब, सिर्फ फॉलोवर चाहिए मेरे को, इतने आदमी जानते हैं। अरे क्या जानते हैं तेरे यार, आप ऐसा काम करो ना जिसम के आपके मन में आपके प्रति लोगों के इज्जत हो। तो मेरे को तो सही बताऊ, मैं ये चलाए कर के वो इंस्टाग्राम में तो चलाए भी नहीं करता, कभी ना मैंने यूज करी है चीजें आज तक। तो देखो मैं ये नहीं कहता कि बस सारी चीजें एक समान है, नहीं, अच्छे काम करने वाले भी हैं और जो थोड़ा बहुत वो भी करें उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, ये अपना हरियाणा जो है ये बड़ा सुंदर है और इसकी रचनाएं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी तपस्या से इसको सुंदर बनाया है, तो हमारी तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है भाइयों, इसको जितना हो सके अच्छा ही रहने दो और इसको अच्छा ही आगे बढ़ाते रहो। हरियाणा की जो एक पहचान है, पूरे भारत में एक अलग पहचान है, कया नहीं करते अपने दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। उसे रोल मॉडल है, थोड़ा फेस की एक्टिविटी उसे तरीके से रहेगा, मैं ललकार दूंगा थोड़ा झंडू जी, क्योंकि आपने देखना बड़ा पसंद करा था। मैं मानता हूँ, देखो क्या होता है कि अब तो थोड़ा मैंने बताया ना आपको, थोड़ा थोड़ी दिक्कत है वो वाक्य में झंडू जी के, तो बाकी वो फिर सामने वाले पे भी तो डिपेंड करे है, अगला बोल रहे आगे जवाब तो उसी को जवाब दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है, बड़ी बात है ना, अब कोई सामने से जैसा सवाल करेगा वैसा ही जवाब दे देंगे। जी देखा जोकर स्टेज प्रोग्राम है, कोई ऐसा प्रोग्राम जो उसकी छाप आपके दिमाग के ऊपर भी पड़ी हो, अब ये ऐसा हो गया, पड़ी हो, वो जबरदस्त हो गया। नहीं देखो, प्रोग्राम तो बहुत ऐसे हुए हैं, जैसे सपना जी के, बीरपाल जी के, मेरे हुए हैं, मंच के ऊपर हम एक दूसरे को खान में जाया करते। अब कई डायलॉग ऐसे भी हैं जो घने भी फेमस हुए हैं। कौन सा था? वो तो थे कर, वो फिर बोलना चाहता वो था जिस तरह झंडू इतना मोटा पेट कैसे हो गया, हाँ मेरा मोटा पेट हो गया, मोटा पेट हो गया मेरा भी, जमा टूट लगा, हाँ भगवान तने भी देगा दिन जब तेरा पेट फूल लगा। तो ये कई चीजें ऐसी होती हैं जो मंच के ऊपर अच्छी लगती है। ये मतलब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है, एक पर्दे के पीछे कह दी बात हुई है, समझ लो। हां हां बिल्कुल, डायरेक्ट रिस्पोंस दे भाई, ये बात गलत कह दी इस तरह, बिल्कुल। इब प्रेजेंट में कोई नाटक इस तरह का कोया हो जो शिक्षा से रिलेटेड, जो सारी पब्लिक देखे, बहन बेटी सारा परिवार बैठ के देखे? जितने भी मेरे नाटक है, मैंने बताया ना मेरा चैनल है उसमें सारे ऐसे है, एक भी वो नहीं है। अभी मैंने बताया झंडू फन स्टेशन के नाम से इस पे नहीं आते, क्या नाम पे है, यूट्यूब पे और एक और फेसबुक पे चल रहे मेरे सारे। हाँ तो बढ़िया रिस्पॉन्स है पब्लिक का सारा। हो लास्ट सवाल है जी, सवाल तो क्या है, हम कहेंगे दर्शकों ने अपनी तरफ से कोई मैसेज इस फिलहाल 2023 जो चल रही है, जो अलग अलग जो मनोरंजन के नाम पे अभद्रता का वहां जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो चीज प्रोसेस जान लग रही है, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे भाई, बढ़िया तरीके से साफ सुथरा काम करो। अब हंसी मजाक की बात तो हम भी बनावे हैं और मैंने हमेशा एक कोशिश करी है कि चुटकले भी वो बनाओ जो जीवन में कभी ना कभी घटना घटी हो। मैंने चुटकला बनाया था, बहुत लोगों ने अच्छा पसंद करा,
हमें रात ने प्रोग्राम करने लाग रहे, जमा जुलम डा दिया, पांच छह शरारती छोरिया ने गदक है पुंजड़ के पीपा बैंध के मारी स्टेज खानी बजाय दिया। मैं देखने लाग रहा जमा साज रहा मारी स्टेज ऊंची गदा उसे खानी बाज रहा, बाज के रहा जमा रड़ गया। मैं उसने रोकदा उसने पहला गदा तलाई बढ़ गया, बड़के गया जमा रड़गी मारी कलाकारनी गांधी गांधी गदे के ऊपर पड़गी, पड़के गई जमा साज लिया। मैं देखने लाग रहा गदा मारी कलाकारनी लेके भाज लिया। मैं बोलिया मरना मंजूर है, जमा नहीं सतान देऊंगा, गदे मेरा नाम भी झंडू है, कलाकारनी मैं भी नहीं ले जाने दूंगा। मन ने यह बात कही जमा ललकार दी, मेरा भी नाम झंडू है, मैंने गदे पर छलांग मार दी, मार के दी जमा सतागी, मेरे में बोझ गणा गदे की जिब्बे पै रहेगी। आ के गई वह जमा साज लिया, गदा मारे ते भी बेशरम दोनों ने लेके बाज लिया, बाज के लिया वह जमा रड़ गया। अंधेरे में गदा ने दिखा ही कहीं एक बीड़ी ही गाल में बढ़ गया, बड़के गया वह जमा साज लिए, पिप्पा फरड़ फरड़ बोला पाछे कुत्ते बाज लिए। पहली बार देखा वह जमा साज रहा, अरे चाला हो गया गदा पिछाण हुआ की स्पीड तय बाज रहा। इतने में कलाकार नहीं बोली झंडू मेरी दुनिया लुटा है, मन ने बचा ले मेरे तो हाथ छूटे हैं। मैं बोले हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं, जमा लिपट जा, बोली गदा पता बड़के मर जाएगी, इसकी नाइड के चिपट जा। मन ने नाइड की बात कही, जमा जकड़ लिए मारी कलाकार दी ने डरती डरती ने गदा की कान पकड़ लिए, पकड़ के लिए जमा साज लिया। गदा ने सोचा कौन सी पता है और स्पीड तय बाज लिया, बाज के लिया भाई जमा रड़ गया। अग अंधेरे में दिखे को नहीं, घेर में बढ़ गया, बड़के गया जमा झटक दी, मारी कलाकार नहीं ले जाके एक ताऊ की खाट तो रह पटक दी, पटक के दे जमा जकड़ लिया। ताऊ भी आई था खड़ा अंधेर, मारी कलाकार ने हाथ पकड़ लिया, बोले ओ बड़का की मां जमा सताई है, कल घेर में रोला करके गई, रोला करके गई थी, आज के लेना आई है। तो इस तरह की मना देते हैं अपन जी, धन्यवाद, कोई बात नहीं, थैंक यू जी। ओके भाई जी लगी शेयर कर दियो, ये थे हमारे साथ में महेंद्र सिंह झंडू, इस इनके चुटकले जी तो कर काफी सारे सुन लिया, क्योंकि अस्वस्थ है, थोड़े बीमार चल रहे है, कभी मौका लगेगा तो फिर आप पूरा मनोरंजन करावांगे। और कमेंट करके जरूर बता दे रही हो किस तरह के सवाल करा, किस तरह के चुटकले पूछा, किस तरह की कॉमेडी करा, आपने पूरी वीडियो देख ली है, कॉमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे रही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में, सहयोगी कैमरामैन के साथ, धन्यवाद, धन्यवाद भाई।